खबर और असर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और फिर मैं इस बार आ गया हूँ सलाह परिवार पंचायत के झारवई गांव में, जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। मसान नदी के कहर से लोग तबाह हैं और दहशत में कि बरसात आने वाला है और इस बार पिछले साल की तरह इस बार भी फिर तबाही मचाएगी मसान नदी। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं और समाजसेवी लोग ने धरना प्रदर्शन करा। आप देख सकते हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन स्थल पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन मसान नदी झारवई गाँव में किया जा रहा है और लोगों का सिर्फ मांग है कि जो मसान नदी के गाइड बांध बना दिया जाए, ताकि जो इस क्षेत्र के जो गांव है, दर्जनों गांव है जो बाढ़ और कटाव से जो प्रभावित हो रहे हैं, उसे बचाया जा सके। लेकिन बता दें कि मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि बाढ़ पूर्व समीक्षा की जा रही है कि कहां कहां बाढ़ से तबाही है और कहां कहां परेशानियां हैं, लेकिन तमाम समीक्षा के बाद भी इस गाँव में पिछले साल भी तबाही मचाया था और इस बार भी मचाने की उम्मीद है। लोगों में दहशत है ताकि बरसात आने वाला है और किसी तरह के कोई कारगर काम इस गांव में नहीं किया। ग्रामीणों ने अपने स्तर से गांव को बचाने की कवायद किए थे और धार को मोड़ने के प्रयास किए थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इस साल भी सरकारी स्तर पर कोई काम नहीं किया है। तो आज आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आप लोग मांग क्या है और क्या 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 स्थिति है गाँव? हम लोग मजबूर हो गए हैं कि आज आकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दें। पिछले कई साल से केवल आश्वासन मिलता रहा है कि मसान नदी में गाइड बांध बनेगा और जनता आज यहाँ बगहा विधानसभा का 5 पंचायत इस मसान नदी के वजह से अपना वजूद खोने जा रहा है। लगभग 1 लाख की संख्या में 5 से 6 पंचायत के लोग प्रभावित होने जा रहे हैं और हम लोग का केवल एक मांग है कि गाइड बांध को जल्द से जल्द बनाया जाए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है बांध के नाम पर, उसको बंद किया जाए, क्योंकि आज किसान का वो हाल है, मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए की जमीन 5,000 में बेचने को मजबूर हो गए हैं यहाँ के किसान। खाने को अनाज नहीं है और स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि झारमवी जैसे गांव का अस्तित्व कहीं खत्म ना हो जाए, इस पर सवाल है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब हम मंत्री साहब से, जल संसाधन मंत्री साहब से बोलते हैं कि मसान नदी के लिए आप कुछ करिए, बांध के लिए कुछ करिए, तो बोलते हैं साहब वो तो एक बरसाती नदी है। उनको शायद ये नहीं पता कि हर साल कटाव में कितना घर कट जाता है, उनको एक भी मुआवजा नहीं मिला। और आप मुझे ये बताइए, अगर इस तरह सरकार का काम चलेगा बरसात में और 400 से 500 घर अगर कट जाता है तो उन लोग के जिम्मेदार कौन होगा? क्या मांग है आप लोगों को सरकार से और अधिकारियों से? हम लोग की सीधी एक मांग है कि आप जो गाइड बांध है उसको जितना जल्दी हो, आने वाला जो बरसात है उसके पहले उसको पूर्ण करने का काम करें। झारमवी से लेके जो तमकुही तक का जो दायरा है उस पर बांध बने। और अभी आप देखे होंगे जो पानी बगहा के तरफ, रामनगर के तरफ डाइवर्ट होता था, शेरवा की तरफ जाता था, उधर बांध बन गया है। इसका मतलब जो खतरा है वो अब बगहा विधानसभा के 5 से 6 पंचायत में हो गया है। तो इसलिए ये सारा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग मजबूर हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन बगहा विधानसभा की जनता के संरक्षण के लिए जहां तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लगातार लोगों का एक ही मांग है कि मसान नदी से इस क्षेत्र के जो गांव है, जो प्रभावित इलाके हैं, उसको बचाया जाए और लोगों ने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग, क्या चाहते हैं सरकार से? बस गाइड वाहन बनवा दे और जैसे पब्लिक का सुरक्षा हो जाएगा। क्या लग रहा है, जो अधिकारी हैं लगातार मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि समीक्षा की जा रही है और पूरे इलाके को बाढ़ से बचाया जाएगा? देखिए, करीब 5 पंचायत है, करीब 60,000 लोग जो है इस नदी के त्रस्त हैं और आम जनता और हम लोग समाज सेवी धरने पर बैठे हैं। सरकार से यह हम लोग मांग करते हैं कि मसान नदी पर जो है अविलंब गाइड बांध का निर्माण कराया जाए, नहीं तो इससे भी बेहतर आंदोलन हम लोग करेंगे और रोड पर उतरेंगे अपने हक अधिकार के लिए। बाढ़ के दिनों में किस तरह की तबाही होती है इस इलाके में? बाढ़ के दिनों में यहाँ बहुत ज्यादा तबाही होती है, घर से लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ जो बांध का निर्माण कराए, नहीं तो इस गाँव का अस्तित्व, लगभग 60,000 लोग प्रभावित होंगे और बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों को जो मेन रोड है वहाँ जाने में भी सड़कों का जो है सड़क सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार समीक्षा कर रही है और कहावत है कि शिकारी आएगा
जाल बिछाएगा और दाना डालेगा। वही हालात यहाँ के लोगों का है, बरसात से पहले सारे काम कर लिए जाएंगे, बाढ़ से बचाए जाएंगे, कटाव से बचाए जाएंगे, लेकिन कोई काम धरातल पर यहाँ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है मशान नदी का जो धार है पूरे तरह से बढ़ते जा रहा है और गाँव पर खतरा उत्पन्न होती जा रही है। तो लोगों में दहशत है कि इस साल भी बरसात में बड़ी तबाही लेकर इस गाँव के लोगों के साथ आएगी। तो क्या स्थिति लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों को एक ही मांग है, गाइड बांध हो। इसके पूर्व पर साल भी हम लोग गाइड बांध के लिए प्रस्ताव दिए थे, प्राकलन बना था, लेकिन नामंजूर हो गया। इन साल भी दोनों साइड में बांध का प्राकलन गया था और हम लोगों का अपोजिट साइड में पूरब साइड में सरवा गांव में बन गया और ये रहा हम लोगों का इस्टीमेट 6 करोड़ 12 लाख का और हम लोगों का नामंजूर कर दिया गया। ये विभागीय सौतेला बेतार किया गया। इससे प्रभावित झारमहुई के अलावा दर्जनों गांव तबाह बर्बाद हो रहे हैं, खेती बर्बाद हो रहा है, भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, हम लोग बेबस होकर अब धरना पर चल के लिए बैठे हैं। अगर काम यहाँ नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग जो भी कानूनी प्रक्रिया और धरना प्रदर्शन का आगे हम लोग कार्यरत रहेंगे, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जब तक गाइड बांध नहीं होगा हम लोग लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। हम लोग इस तरह से भी वजूद हम लोगों का खतरे में है और इसके बाद भी हम लोग लड़ाई के दरमियान भी अपना वजूद डाल देंगे। क्या लग रहा है कि इस बार भी तबाही मचाएगी आपके गाँव में? मशा पिछले साल से बुरे लेवल पे रहेगी 100 times। कारण ये है कि जो पूरब साइड में प्रपोजल गया था, दोनों प्रपोजल गया था, तो एक साइड का ऑलरेडी काम हो चुका है और एक साइड का बचा हुआ है। तो जो पानी डिवाइड होता था 50-50 वो 100% झारमावी और बाकी अन्य पंचायतों में जाएगा। तो इस बार का जो फोर्स है वो पूरे 100% तौर पे अपने जहाँ झारमावी गांव का अस्तित्व ऑलरेडी खतरे में है। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि इस बार सरकार या अधिकारी उस पर कुछ काम करेगी? मांग तो की जा रही है, इसीलिए तो धरना प्रदर्शन किया गया है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आगे क्या रणनीति होगा? काम यहाँ बरसात से पूर्व शुरू नहीं होता तो क्या आप लोग इससे भी बड़े लेवल पे हम लोग धरना देंगे? ठीक है, एनएच जाम करेंगे, रेलवे जाम करेंगे। ठीक है, जो कानून के दायरे में है उसको लेकर हम चलेंगे और इससे बड़े लेवल पे जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं कुछ होता है लाखों जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं और ये लड़ाई एक साल की नहीं है, पिछले 8-10 साल से लोग लड़ते हुए आ रहे हैं। आश्वासन से तो जिंदगी नहीं बचने वाली, क्योंकि 0.5 किलोमीटर ही बचा हुआ है हमारा गांव और इस साल क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं। बहुत से लोग गांव छोड़ के चले जा चुके हैं, यहां से घर में ताला लगा के अपने परिवार को लेके यहां से पलायन कर चुके हैं। कितने गांव है, कितनी की आबादी है जो प्रभावित होगा इससे? लगभग 8 पंचायत है। इस मशान नदी के कहर से लगभग 8 पंचायत के लोग पूरे तरह से तबाह होंगे अगर इस तरह गाइड बांध का निर्माण यहाँ नहीं होता है तो। लेकिन सरकार और अधिकारी की जो घोषणाएं थी, जो आश्वासन है कि इस क्षेत्र के पूरे तरह से लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन यह यहाँ कुछ अभी तक जो काम है, जो अधिकारी अभियंता हैं, किसी तरह के काम की शुरुआत नहीं होने से लोगों में दहशत इस बना हुआ है कि इस बार बाढ़ में फिर तबाही मचाएगी और लोग बहुत से लोग हैं जो गाँव से अभी भी पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि बाढ़ आएगा तो उस समय गांव में स्थिति बहुत विभव हो जाती है, तो उस समय गांव में रहना लोगों की मजबूरी हो जाती है। गांव इसलिए इस बार लोग बरसात के दिनों में दूसरे गांव में अपने असियाना ढूंढना शुरू कर दिए हैं। और अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। यहाँ के आप स्थानीय सरपंच हैं जी, क्या स्थिति रहता है आपकी पंचायत? हमने के पंचायत में ये स्थिति बह जेना हमने के खेती में माने धान होता ना, हमने के ऊख होता, लगाओ के भर्ती सब लगाओ तो नहीं जा आ सब मशान महाराज काट के उड़वा देता। हमने के घर से ना शादी ब्याह सही होता, लड़की वहीं पड़ल बड़ी सोन, हमने के लगे ना पैसा बा ना हमने के कोनो माने रास्ता पर हमने के जाए वाला बानी जा। हमने के ये समय सब हमने के ये कहल जाए सरकार हमने के मदद कर के बांधा बनवा दी, दूसर हमने के का कहल जाए। हमने के बतौनी हम जे वही बात बा जे हमने के खेती गृहस्थी जौन बात किसान आदमी बनी जा, किसान हमने के नहीं हो पात, हमने के घर में पानी घुस जाता, हमने के खैला में मजबूर हो जाते हैं जा, जब धान की सब नहीं होकत ऊख नहीं होकत तो हमने के क्या तरह जियल जाए। हमने के ये बात बात है हमने के शादी ब्याह सब रुक जाए कैसे कही जाए, तो किसाने बानी जा वह हमने के सर्विस तो कोनो बाना, हमने के ये कहल जाए बांध बनो, हमने के 8 गांव बा 8 गो गांव में हमने के ये हाल बीतत ना कोनो गाला पता ही होता ना, हमने के सर्विस बा हमने के मान पंचायत में यह काम बा। सरकार तो तमाम तरह की घोषणाएं करती है, जो यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, एमपी है और भी जो जनप्रतिनिधि है, इस गांव को बचाने के क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसे तो स्थानीय जो भी है
सभी लोग आते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा बहुत काम जो होता भी है वह सक्सेस नहीं होता है, होता ही नहीं है सक्सेस। बोरे से बांध को बनाया जाता है और वह जो है बांध एक बार पानी आता है और लेकर के चला जाता है। तो सबसे ज़रूरी काम है कि हमारे यहाँ जो भी काम हो अच्छा से हो, लूट खसोट वाली काम ना हो। लूट खसोट करने से यह बांध रुकने वाला नहीं है, ये छोटा छोटा बोरी बांध देने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ गाइड बांध होना चाहिए और एक मजबूत बांध होना चाहिए। मजबूत बांध जब बंधेगी तो आठ पंचायत की खतरा से बचाव होगी। आठ पंचायत के लोग तबाह हो चुके हैं, तबाही की वजह से लोग प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ कोई कीमत ही नहीं रहा, अब तो जमीन का यहाँ कोई कीमत ही नहीं रहा। कीमत नहीं रहने की वजह से अब हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपना जमीन जायदाद छोड़कर ताला मारकर घर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब हम लोग खेती पर डिपेंड है, खेती पर आधारित है और उस खेती से कुछ नहीं आने वाला है तो फिर हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। ऐसे तो नौकरी पैसा तो हर आदमी के पास है नहीं। हम लोग किसान हैं, किसान का खेती ही अपना सबसे बड़ा चीज है और वह खेती नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बाध होकर के चले जाएंगे। अभी हमारे जय भैया इसके लिए आवाज उठाए हैं और हमारे पंचायत के सभी लोग मुस्तैद होकर के तैयार हैं इनके साथ कि जो भी इस मशान गाइड बांध का काम करवाएगा हम लोग उसके साथ हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं। हम लोग दिल खोल कर कह रहे हैं, इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि हमारे जय भैया अगर इस आवाज़ को उठाए हैं तो हम लोग इनके साथ हैं और इनके साथ रह करके इस गाइड बांध के मुकाम तक हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। गाइड बांध नहीं होने के कारण इस क्षेत्र की जो खेती की जमीन है पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, लोगों का फसल भी बर्बाद होता है। जो फसल नहीं होने के कारण लोग दाने दाने के मोहताज हो जा रहे हैं। तो इस स्थिति में गांव के लोगों में बरसात को लेकर और गाइड बांध निर्माण नहीं हुआ है, इस आक्रोश है, लोगों में दहशत भी है कि ये मशान नदी है और तबाही मचाती है और उनके परिवार को दाने दाने को मोहताज करती है। तो इसको लेकर लोग लगातार आंदोलन जारी रख रहे हैं। अगर सरकार और अधिकारी इस बात को नहीं मानेंगे और यहाँ निर्माण काम शुरू नहीं होगा तो फिर आंदोलन आगे चलेगा। बरसात के दिनों में बहुत बुरी हालात होती है हमारे गाँव में, बहुत हर एक जगह हम बहुत सारी प्रॉब्लमों को झेल चुके हैं। यहाँ पे हमें बहुत परेशानियाँ होती हैं। यहाँ के किसान बहुत बहुत तरह के वो लोन उठाते हैं अपना गांव चलाने के लिए, अपना देश चलाने के लिए। लेकिन हमारा ये देश एक नेतृत्व के लिए है, नहीं कि हमारी सुविधाओं के लिए है। हमारे मोदी सरकार या जो भी सरकार आती है यही बोलती है कि हम यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ पे ये करेंगे वाह करेंगे, लेकिन आज तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। हमारा एक ही मांग है, हमारा गाँव का सुरक्षा, और हमारा दूसरा मांग है हमारा गांव में गाइडलाइंस और गाइड बांध होना चाहिए। हमारे गांव में हमेशा जल प्रतिनिधि होनी चाहिए। हम इसके लिए हम ये हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, हम वहां तक जाएंगे और अपनी आवाज़ को वहां तक रखेंगे। हमारे साथ ये सभी किसान भाई और सभी गांव के लोग हैं। हम छोटे हैं लेकिन हमारी कलम छोटी नहीं है, हमारी मुंह छोटी नहीं है और ना हमारी आवाज छोटी है। सब कोई हमारे साथ एक बार बोल दीजिए, जय हिंद, जय भारत। अभी भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या स्थिति, क्या हालात। बहुत जर्जर स्थिति है। ये पूरा सलाम बरियरवा सिसुमा बसंतपुर लगभग 12 गाँव है, 4-5 पंचायत है, इससे बहुत प्रभावित है और बहुत फसल बर्बाद हुआ है। लोग कहता है क्या बोला, ये बरसाती नदी नहीं है, ये 12 महीना कभी भी बरसात सैलाब आ जाता है। 2 फरवरी को भी सैलाब आया था जिसके चलते गेहूं और मसूरी पूरा लोगों को बर्बाद हो गया और लोगों का कितना घर ध्वस्त हो गया और कितना हम खुद का बोला 3 दिन बाढ़ के घेरे में तीन रोज हम रहे हैं, 3 रोज 4 रोज हम रहे हैं अपने मकान में, कहीं आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तबीयत खराब हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं, ये गर्भवती औरत है वो नहीं निकल पाती है, दम तोड़ देती है, ऐसा हालात हो गया है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई काम नहीं होता है। अगर ये काम नहीं होगा तो हम लोग पूरा पंचायत के लोग तहस नहस हो जाएंगे। अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जय भैया के साथ हैं, इनके कंधे में कंधे मिलाकर रहेंगे। इंशाल्लाह हम लोग जहां भी रोड जाम करना होगा, रेलवे जाम करना होगा, सब करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। जब बरसात में जो पानी आती जी, है, जो पहाड़ी नदी के जो पानी आप लोग गांव में आता है, फसल जब तबाह हो जाती है तो फिर आप लोग क्या व्यवस्था रहती है, कैसे चलते हैं? कोई व्यवस्था नहीं, एक रात सोते हैं, 2 रात का बोला नहीं खाते, ऐसे ही रहता है। कोई का बोला मुआवजा भी नहीं मिला, हम लोग गन्ना बर्बाद हो गया लमसम, हमारे 5 एकड़ गन्ना यहाँ बर्बाद हो गया है जिसमें लाखों रुपए मैंने लगाया था, कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से, कुछ हमको का बोला अनुदान नहीं मिला, हम लोग बर्बाद हो गए नदी के चलते। और ये सब क्या कह जाए, अब हम लोग मर जाना ठीक है लेकिन ये नदी के क्या बोला किनारे रहकर हम लोग बर्बाद हो गए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग इसके लिए रोड पर जाम लगाएंगे, DM के घेराव करेंगे,
कलेक्टर के खिलाफ करेंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। हम कंधे में कंधे मिला कर मांग, ये काम जो हो रहा है फ्लड फाइटिंग का, इसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग ये बांध जो एस्टिमेट गया था, हम लोग ये बांध चाहते हैं, हमको बांध चाहिए। ये लूट खसोट वाला काम है, क्या इस बार भी दहशत में आप लोग हैं? दहशत में हम लोग। तो क्या चाह रहे हैं सरकार? हम चाह रहे हैं भाई कि ये फ्लड फाइटिंग से कुछ होने जाने को नहीं है। ये बांध जो है हम लोगों का, ये बांध हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बांध चाहिए। महुआ बांध से लेकर अब तमकुही पुल तक बांध चाहिए हम लोग को। हम लोग का फसल बर्बाद हो गया, 200 बीघा जमीन जो खाने को मोहताज है। जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि आपकी समस्या को आवाज ले उठा रहे हैं, तो उठाते तो यही होता। उनको अपना कुर्सी चाहिए, जनता की आवाज नहीं चाहिए। जनता मर रही है कि रो रही है कि बीमार है, वो नहीं चाहिए। उनको कुर्सी चाहिए, उनको लंबा लंबा भाषण चाहिए। सरकार और जो जनप्रतिनिधि या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो लगातार लोगों को आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के बावजूद यहाँ धरातल पर खड़ा उतरता नहीं दिख रहा है, जिससे लोगों को मैं काफ़ी आक्रोश है। अगर इस बार ये मसान नदी का गाइड बांध अगर ये सलाह बरिवा पंचायत के जरूरी गांव की तरफ नहीं बनाया जाएगा, तो नदी का जो धार है सीधे गांव की तरफ है और पूरा यह इलाका जो इस बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़, बगहा।